दोस्तों, अगर भारत आज मैच जीत गया तो फाइनल की टिकट 100% भारत की पक्की हो जाएगी। सिर्फ 16 घंटे बाद टीम खेलेगी दूसरा मैच। पाकिस्तान बाहर होने के कगार पे पहुंच चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने सुपर फोर के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रन से करारी शिकस्त दी। इससे पहले ग्रुप राउंड में टीम ने नेपाल को 10 विकेट से करारी मात दी थी। मैच में भारत ने विराट कोहली के नाबाद 122 और केएल राहुल के नाबाद 111 रन के दम पर पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 2 विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवरों में 128 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 5 विकेट लिए। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिलने के 16 घंटे बाद सुपर फोर का अपना दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारतीय टीम यदि ये मैच जीतने में सफल रही तो फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। सुपर फोर की चौथी टीम बांग्लादेश फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। भारत और श्रीलंका का भी मैच कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर फोर के पॉइंट टेबल की बात करें तो भारतीय टीम 2 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ही टीमें के 2-2 अंक हैं, लेकिन भारतीय टीम का नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है दोनों टीमों के मुकाबले। वहीं पाकिस्तान का माइनस में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की टीम टेबल पर तीसरे नंबर पर खिसक गई है। श्रीलंका का रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, वह टेबल में दूसरे नंबर पर है। भारत और श्रीलंका ने अब तक सुपर फोर में 1-1 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम 2 मुकाबले खेल चुकी है। बांग्लादेश को सुपर फोर के दोनों मैच में हार मिली है। टीम भारत यदि श्रीलंका को हराने में सफल रही तो उसके 2 मैचों में 4 अंक हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 मैचों में 2-2 अंक रहेंगे। सुपर फोर के 1 मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान की बढ़त 14 सितंबर को होगी। यह मैच नॉकआउट की तरह होगा। यह मैच हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, भारत की ये जो जीत थी, ये जीत सिर्फ मायने नहीं रखती, बहुत बड़ी जीत थी ना। इसी वजह से भारत का रन रेट इतना बेहतरीन हो गया है कि अब सुपर फोर में जल्दी वो क्वालिफाई करके फाइनल में अपनी जगह बना लेगी। वही पाकिस्तान का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको नेगेटिव मिला है बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से ना ये सुपर फोर का जो खेल है ना, अब जैसे एक टीम तो निकल गई, अब टॉप 3 में 2 फाइनल में पहुंचेगी, तो देखते हैं आगे चल के इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही रहा तो पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन पूरी जो जनता है, पूरे जो फैंस है, सब यही चाह रही होगी कि इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल हो और उसी बुरी तरह से इंडिया दोबारा पाकिस्तान को हराए। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि फाइनल में किस किस टीम को जगह मिलनी चाहिए? अपने अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।